नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मन्नु भंडारी की कहानी, जिसका शीर्षक है अकेली। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उसके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उसके जीवन की इस एक रस्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूं हर साल एक महीने के लिए उनके पति उसके पास जाकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता है और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि दो मीठे बोल बोल कर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गम, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो कर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस एक महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में फटी साड़ी और पापर लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो भी इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापर लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था, अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडर पर बन्ना बन्नी का गा रही थी, मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि दो बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे ना पड़े। उसी समय खोया मंगवाकर नए गुलाब जामुन बनवाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद्द उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली, मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं, ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूं तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी की यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूं कि घर वालों को कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यो भट्टी और भंडार घर सौंप दे।
पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अराती फिरती है। और एकाएक उन्हें इस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर गुजर चुकी थी। फिर आते ही फिर उसके आंसू बह चले। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज एक महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि एक महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं, सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ तार कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो, सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं जाऊँ आऊँ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों को कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो इस बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिन बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना रखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल, आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन भरमाती रहती हूँ और वे हिचकियां लेने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खा कर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों को किसी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ हुआ है, वे सब लोग यहाँ आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही, वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उसके समधी यहाँ आ गए हैं और जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है, दोनों ही पैसे वाले ठहरे, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आएगा या नहीं। देवर जी को मेरे 25 बरस हो गए, उसके पास तो कोई संबंध ही नहीं रखा, रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है, मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उसके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे ना रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है, दाल पीसती हुई घर की बहू बड़ी बहू बोली। है बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ, विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलावना हो ना हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चल पड़ी, अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्योंरी राधा, तू तो जानती है
कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगार दान या कोई और चांदी की चीज? मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे ला कर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझ ले ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखूं पहले की रुपया कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई, 2-3 कपड़ों की गठड़ियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की एक रेजगारी पड़ी थी और 1 अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई, रही समधियों के घर में इतने रुपयों से बिंदी भी ना नहीं लगेगी। उसकी नजर अंगूठी पर गई, यह उसके मित्र मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे इस अंगूठी का मुंह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और वह अंगूठी आंचल से बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो ना जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी, तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जाबे, इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक उसकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उसके कदमों को रोक दिया, कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिर। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, 1 साड़ी और 1 ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे कर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी, उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनी के यहाँ से 1 आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था।
दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी, बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वाले की मत पूछो, एन मौके पर बुलावा आता है, 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बिने हुए क्रोसिए का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की निंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा, 3। सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता, बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पूर दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उसके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया, बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा, 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संजत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना है और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी, और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठी। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी की कहानी अकेली। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।